ये देखिए दोस्तों, पूरा मर्डर कर दिया टेडी बियर का। मैं लेके आया था शेरू के लिए, पूरा अंदर इसने टेडी बियर का पूरा अंदर सब जो भी छोटे छोटे वो थे अंदर फिल करके रखा था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आज मैं धामपुर में हूँ, मैं अपने घर आया हूँ मम्मी से मिलने। सो आप देख सकते हैं पीछे शेरू, हमारा प्यारा डॉगी, इसे बहुत दिन हो गए मैं मिले हुए, आते साथ ही मेरे को प्यार करने लगा। सो दोस्तों, अगला जो क्लिप रहेगा मैं आपको थोड़ा ग्लिम्स दिखाऊंगा प्लेन का जर्नी, और थोड़ा बहुत जो मैंने ट्रैवलिंग करते से मैं दिल्ली में निज़ामुद्दीन का देखा था मैंने मॉन्यूमेंट, तो वो सब भी आपको दिखाऊंगा, और अक्षरधाम का भी देखा था मैंने। सो ज़रूर देखिएगा, और आने वाले क्लिप में मैं आपको खेत की जमीन और यहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट दिखाऊंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि What doesn't mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty? Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did the song mean? There's no tomorrow. Oh, you know I try to find a purpose in my life to drive me, to guide me. Oh, doctor, I feel dead inside. अभी अपने पुराने वाले घर पे आओ, ये मेरा पैतृक घर है दादाजी का, तो यहाँ पे हमारे सारे फैमिली रहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे हैप्पी न्यू ईयर का, ये न्यू ईयर का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था। तो ये घर पहले से घर है, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो इस कारण मैं अभी आकर ये घर को थोड़ा साफ किया है। सो तो अभी मैंने बस पोछा झाड़ू लगाया, ऊपर से अभी भी बहुत थोड़ा गंदा है, बट मैंने पूछा। मैं अभी अपना छत दिखाता हूँ, वहाँ से पूरा अपना फ्लैग जो होस्ट किया है यहाँ पर धामपुर में, हर सिटी में फ्लैग है बोल, तो यहाँ पर आपको चौराहे का फ्लैग दिखाता हूँ, नगीने चौराहे का, ये फेमस चौराहे है अपना धामपुर का। आप देख सकते हो दोस्तों, अभी पोछा झाड़ू लगाया है, घर थोड़ा साफ है, पूरा गंदा था ये, पूरा काला मतलब मिट्टी मिट्टी भर गया था। तो अभी झाड़ू लगाया, एक दो घंटा हो गया हमें, इवन बालकनी भी ने साफ किया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि बहुत तेज आवाज आ रही है यहाँ पर, बस पूरा मुंह चुराया है, देख सकते हो कितना तेज आवाज आ रही है यहाँ पर। तो ये व्यू दिखता है, आप देख सकते हो फ्लैग कितना अच्छा नज़ारा है। ये हमारा छत था तो ये भी हमने साफ किया, ये रूम है पूरा, बाथरूम और किचन भी साफ किया था, पूरा गंदा हो गया था। इस तरह का व्यू ले रहा तो पीछे पूरा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अगर हम देख पीछे देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा है कहीं देख सकते हो, ये मेन फ्लैग बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिछली बार तो फ्लैग नहीं होस्ट किया था उन्होंने, बट अभी फुल 24 आवर्स फ्लैग, बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों। मतलब बाबूजी के छोटे भाई का प्रॉपर्टी है, तो ये मतलब कज़न चाचा है, तो उनका ये दुकान आप देख सकते हो, उन्होंने रेंट में देखा था। ऊपर इन्होंने छत में चाय कॉलिंग का एक खोल कर रखा है, तो पिछले 6 महीने बाद पहले आया था तो यहाँ पर नहीं था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छा बनाया है, सुंदर सा बनाया है उन्होंने, ओपन टेरेस। तो आप देख सकते हो चौराहे का झंडा, लेकिन चौराहा बहुत ही अच्छा नज़ारा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए। तो ये हमारा चौराहा है, ये आप देख सकते हो, ये गुलमोहर मंडप है, यहीं पर मेरी और नविया की शादी हुई थी, बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल अपोजिट में है।
और एक चीज़ दिखाना चाहता था कि यहाँ पर भांग का पेड़। तो दोस्तों यहाँ पर ओपनली ये सब बढ़ता रहता है। अभी होली का टाइम जैसे आएगा आप देखना ये भांग का पेड़ काट देंगे, पत्ते के थ्रू ये लोग भांग की टिक्की भांग सब बनाएंगे। आप देख सकते हो ये ओपनली यहाँ पर ग्रो होता है। ये आंवले वाली गली है, अब आंवले का पेड़ है आप देख सकते हो। सीधा जाके बिल्कुल लेफ्ट में हमारा घर है शशि सदन। अभी देख सकते बिल्कुल ओपनली यहाँ पर। दोस्तों आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा बंदर कैसे सो रहा है। दो बंदर उधर है सामने, नीचे नीचे बंदर। फिर आप देख सकते हो दो बंदर सो रहे हैं। दोपहर का समय है, छाँव में लोग सो रहे हैं। दोस्तों अभी मैं अपनी खेती की ज़मीन देखने आया हूँ, तो गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं जो अपने यूपी में खेती का मतलब माहौल कहते थे, सड़क देखिए बारिश के टाइम में तो ये पूरा कीचड़ हो जाता, पूरा गाड़ी जा नहीं सकती, तो ओनली ट्रैक्टर जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो अपने भी खेती में गन्ने की खेती है हो रही है। इधर पीछे गन्ना देख रहे हैं हमारे यहाँ, ये पैडी है, पहले सेड्डी होता है, पर हमने पैडी पहले नौलख। अच्छा पहले नौलख फिर दूसरा पैडी कट रही है। अच्छा ये पैडी है, इसके बाद में सेड्डी ना, जो थर्ड टाइम जो ग्रो होता है वो सेड्डी होता है, सेड्डी को नहीं करते, नौलख और पैडी तक ही सीमित रहता है। तो फिर बाद में कट जाता है, फिर इसको दोबारा फिर रीग्रो करते हैं गन्ने को। तो देखो गेहूं की बाल पास जा कर ले, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। साउथ में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, उसको ठंडा इलाका चाहिए। तो अपनी जिस साइड की जो लैंड है बहुत ही फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर सब कुछ ग्रो होता है। आप पीछे देख सकते हो गेहूं का है, देखो कित बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत रेयर है अपने साइड में, मतलब साउथ में आपको ये सब नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये गेहूं को उगाने के ठंड का मौसम होना चाहिए। तो आप देख सकते हो, अब इसी के कारण आप देखो इजिप्ट के राष्ट्रपति इंडिया में आए थे, तो गेहूं की खेती अपने इंडिया में होती है। आप सोचो कि मतलब अपनी ज़मीन में सोना उखले हीरे मोती, तो आप देख सकते हो ये सब सोने के बराबर ही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। तो क्लोज लुकअप दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए अभी कच्ची है। तो ये हमारा जनरेटर है, मैं इसको अभी चलाने वाला हूँ। तो ये डीजल जनरेटर है, सो आप देख सकते हो मैंने इसको रोटेटर में लगा दिया हेल्पिंग सपोर्ट। अब मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये वाला स्टार्ट कर दूँ बंद करके। अभी मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। ये देखते थे नीचे का गैराज है, यहाँ पर हमारा गाड़ी है। शहर कैसे तो परफॉर्मेंस जा रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं सनसेट हो रहा है धामपुर में, सनसेट का नज़ारा। ये अब नीचे देखें नज़ारा खेती का, ये सरसों का खेत है, देख सकते हैं गेहूं का भी और सरसों का भी। पीछे यहाँ पर प्लॉट कटिंग हो रहा है, ये तो जा रहा है, ये हाईवे है, ये रिसेंटली बनाया है। तो ये छत का नज़ारा देखे, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा प्यारा है। तो फीलिंग आता है गाँव की फीलिंग। यहाँ पे बगल में ये स्कूल है, वाओ सुपर, ये सनसेट आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। खेती की ज़मीन बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो बहुत ही देर से गेहूँ का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बंदर सबके घर में जाकर घुस रहा है, एक एक घर में जाकर देख रहा है। ये देखिए दोस्तों पूरा मर्डर कर दिया टेडी बियर का, मैं लेके आया था शेरों के लिए, पूरा अंदर इसने टेडी बियर का पूरा अंदर सब जो भी छोटे छोटे वो थे अंदर रखा था पूरा सब निकाल दिया। शेरू सी एयर कम है शेरू, जरा 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 देखो देखो दोस्तों ये देखो ये देखो ये देखो सीधा आ गया, मेरे पैर को चाटेगा और हाथ को भी।
अब देखो आराम से लेट जाएगा इधर। तो अभी मैंने गाना चलाया है, सो ये देख सकते हो अपना वूफर, सुपर ऑफ एनवायरमेंट, बहुत ही अच्छा मजा आता है यहाँ पर डांस करने का घर में। तो नेक्स्ट टाइम जब एक गेट टुगेदर फैमिली हो गए घर में, मैं एक दिन वीडियो पोस्ट करूंगा डांस का, बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट रहता है डिस्को विस्को करने का, लाइटिंग वाइटिंग लगा दो डांस करते हो। सो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ, आपको कैसा लगा लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का है धामपुर का एक शादी का डेकोरेशन दिखाऊंगा, यहाँ पर शादी कैसे होती है और खाने का डेकोरेशन कैसा रहेगा। तो हमें एक इन्विटेशन मिला है तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।